फैमिली के साथ आप यहाँ बैठे हैं, इतनी सिंपलिसिटी। कल का फंक्शन इमरान खान कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आया हूँ, मेरे रिलेटिव की शादी और बच्चों के साथ मैं यहाँ उनको घुमाने के लिए लाया हूँ, थोड़ा खाना चाहते थे तो जस्ट रिलैक्सेशन आज के दिन के लिए हमें मिली। कैसा लगता है पॉलिटिकल एक्टिविटी को छोड़ के फैमिली के साथ टाइम देना और कभी कभी टाइम का निकलना? बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है और जब मिलता है बड़ी खुशी होती है, तो मेहनत करनी पड़ती है। सियासी ज़िंदगी ऐसी है कि बड़ा मुश्किल है, बच्चों के साथ और अपने ज़ाती लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल है। वज़ीर-ए-आला हो और बग़ैर प्रोटोकॉल ऐसे लाहौर में फिरे, जबकि लाहौर में दूसरे वज़ीर-ए-आला जो हैं वो इतने प्रोटोकॉल के साथ फिरते हैं कि दूर दूर तक सड़कें बंद हो जाती हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि हमेशा बग़ैर प्रोटोकॉल के फिरता हूँ, चाहे पेशावर में भी फिरता हूँ तो कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, कोई सायरन नहीं बजते और नॉर्मल ट्रैफिक में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़े सिक्योरिटी हालात ख़राब है। 2-3 गाड़ियाँ मेरे साथ होती है, वो भी पुलिस मुझे मजबूर करती है, अदरवाइज़ मुझे अल्लाह ही बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, मलाला वापस आई है, KPK की असम्बली जो है उसने वो करारदाद पास नहीं होने दी, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन उसका अपना एक रोल है, एक वक्त में उसका अच्छा रोल था और अब हम ये समझते हैं कि उसको पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में काम करना चाहिए। अगर वो दुनिया में जा रही है और एक इमेज दे रही है कि हमारे एक मुल्क में दहशतगर्दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक मुल्क है, उसके लिए भी सिक्योर है, उसका अपने मुल्क में रहना चाहिए। मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ। तो अगली हुकूमत फिर KPK में और निगरान हुकूमत के लिए मशावरत कोई शुरू हुई? नहीं, अभी शुरू नहीं, इंशाल्लाह शुरू करेंगे और मशावरत हमारी कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वज़ीर-ए-आला KPK का कहना है कि इनके लिए प्रोटोकॉल अहमियत नहीं रखता और ये KPK में भी ऐसे ही चलते हैं, गो इन्होंने पंजाब के वज़ीर-ए-आला को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ना ही उनके खिलाफ कोई बात की है, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरी सिंपलिसिटी जो है वो इनकी आवाम भी अपनाए। जी।